A galaxy of Bollywood stars attended the 5th anniversary of a renowned NGO where they gave away fund of Rs. 3 lakh to support disadvantaged cancer patients. Devdi fame actress Mahi Gill was among the attendees who graced the social event organized by a renowned NGO. For the first time, the bold star flaunted her noble side and supported a social cause. She seemed to be quite excited about the whole initiative. I am honored to be here. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्लोबल विजन के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर. आई एम रियली ऑनर्ड. और मैं ऑनेस्टली बोल रही थी, आज मैंने स्टेज पर भी बोला कि मैं पहली बार किसी कॉज के लिए बाहर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा पेशेंट्स को देख. और जो ये कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, वो बहुत बड़ी बात है. आई थिंक बहुत से लोगों को निकल कर ऐसी जो सेवाएँ हैं वो करनी चाहिए. सो ऑल द बेस्ट ग्लोबल विजन. Bollywood diva Mahima Chaudhary was also present at the 5th anniversary of the NGO, where several celebrities were honored with Global Vision Awards for their contribution in the social sector. नहीं, अच्छा लगता है जब सभी लोग सोसाइटी में हेल्प करते हैं, जिनके पास है, और वो लोग फिर देना चाहते हैं और लोगों को ये हेल्प. यहाँ पे ये लोग 5-6 साल से कर रहे हैं ग्लोबल विजन में, और इस साल हर साल उनकी जो रकम सपोर्ट की होती है वो बढ़ती जा रही है. तो बहुत अच्छा लगता है सोसाइटी में जब ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं. सेलिब्रेटेड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य आल्सो ग्रेस्ड द इवेंट अलोंग विद द टीम ऑफ हिज नेक्स्ट वेंचर हे ब्रो. ही आल्सो परफॉर्म्ड एट द इवेंट एंड एंथ्रॉल्ड द ऑडियंस. द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हे ब्रो अजय चंदलोक वाज आल्सो प्रेजेंट एट द डू. प्रमोशन था ये हे ब्रो का. यहाँ पे स्टेज पे आए, हम लोगों ने परफॉर्म किया, हमको बहुत प्यार मिला. और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर जो पेशेंट्स है उनके लिए हमने यहाँ परफॉर्म किया. इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती. हमेशा होता है कि कोई अवार्ड फंक्शन होता है या बड़ा का इशू होता है, ये जहाँ जिन एक कैंसर पेशेंट इनके पास आए, हमने इनके साथ में डांस किया, इससे बड़ी दुआ हमको कोई मिल ही नहीं सकती है ब्रो फिल्म के लिए. पावर्ड बाय NNIS.